देख सकते हो टेंट बिल्कुल लगा के पूरी तरीके से रेडी है और गद्दे भी अंदर डाल दिए हैं और स्लीपिंग बैग है वो तो आपको पता ही कि जैसे कि हमारे पास कम है, बाकी कंबल से काम चलाएंगे। बाकी स्पेशल थैंक्स इन भैया का मैं करना चाहूँगा क्योंकि इन भैया ने हमारी जितनी हेल्प की है ना, हमें कुछ नहीं पता था, फर्स्ट टाइम हमारा कि ये कैंपिंग एक्सपीरियंस है, बट इन भैया ने हमारी इतनी हेल्प की है कि नीचे से आप देख सकते हो कि हमारे साथ ऊपर आए हैं और यहाँ पे टेंट लगाने तक का इनका ही ये सारा माइंड है। क्योंकि जगह बताई, सबसे पहले तो जगह ही मैटर करती है, लैंड मैटर करता है कि कहाँ लगाना है। सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है क्योंकि अगर बिना सेफ्टी के, बिना नॉलेज के हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपना नुकसान करा बैठेंगे। ये टेंट थोड़ा परे जैसा लगाओ ना। टेंट नहीं है ये, तो ऐसे लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हवा के लिए। हाँ, टेंट तो कंप्लीट लग गए हैं, अभी नाइट स्टे यहाँ होगी। इससे पहले हम खाने पीने का सारा सेटिंग करके उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे घूमने के लिए और उसके बाद नाइट स्टे यहीं पे करेंगे। तभी तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग नहीं होती है। उन्होंने अपने ये पहाड़ हवा को जाने नहीं देते ना, टकरा के वापस हवा इधर ही आ जाती है। यहीं घुमाती है वो, फिर पैराग्लाइडिंग यहाँ पे चल रही थी ना, फिर वो बंदा आया ऊपर से उड़ के ना, फिर ऐसा घूम लिया, ऐसा घूम के यहीं पे रुक गया। फिर उसमें मतलब वो पिंड चेक करते ना कैसा यहाँ का पिंड, यहाँ का पिंड बहुत खत्म है, वो घुमाती है, पहाड़ों में घूमती रहती है वो, यहीं पे जाने नहीं देती, यहीं घुमाती है। तो आप लोग वो भी तो लैंड की लैंड तो नहीं, टेंट हमारे लग चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थके आ रहे हैं, भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो सभी ब्रेड और पीनट बटर का इस्तेमाल करके और खा रहे हैं। और यहाँ से खाने के बाद जाएंगे हम इस तरफ, कितनी दूर तक जाके आते हैं, अपने टेंट जो भी है इनको अच्छे से पैक करके सारा जो भी सामान है वो अंदर रख के फिर उस साइड में जाएंगे। ओए, सब का आधी घंटा है, सिर्फ आधा घंटा, आधे घंटे के बाद सब फ्री हो जाएंगे लकड़ियों के लिए। ओए, तुम भी सुन लो, आधा घंटा है, सिर्फ आधा घंटा है, दोनों सुन लेना, आधे घंटे में जितनी फोटो खींचनी है खींच लेना, उसके बाद चलना है काम पे। ओके ओके, उसके बाद लकड़ियाँ लेनी है, खाना बनाना है, सब रेडी है और अभी जा रहे हैं कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि रात को लकड़ियाँ ही हमारा सहारा है। उसके बाद जितना ये मल है वो इकट्ठा करेंगे, गायों का गोबर जो है ये इकट्ठा करेंगे और उसके बाद वहाँ पे जहाँ सिलेंडर पड़ा हुआ है वहाँ हमने खाना बनाना है। सो पहले लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और चलते हैं। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हुई है, मतलब कि जानवर भी आते जाते हैं। सो लकड़ियाँ इकट्ठी हो रही है और लकड़ियाँ भी हमें थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। ये वाला सीन, ये है असली एडवेंचर। सो हमें लकड़ियाँ दिखी हैं मोटी मोटी वाली, जिनकी हमें लोड थी, जिनकी हमें ज़रूरत थी, वो लकड़ियाँ उड़ती रही, बर्फ में पैर गए मेरे पूरे। ये रही, ये वाली लकड़ियाँ चाहिए थी हमें, है तो गिल्ली बट रात निकालने के लिए चाहे गिल्ली हो चाहे सूखी हो, सभी लकड़ियाँ चाहिए दोनों। ये देख यहाँ पे इसकी जड़ में जो पड़े हैं, ये दोनों उठा के ले आ। भाई बर्फ में पैर दस रहे हैं, पूरे पैर बर्फ में जा रहे हैं पूरे तरीके से, बट लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है तो चाहे कुछ भी करना पड़े वो तो करना ही है। ये और कहाँ पे है, आ जा, लकड़ियाँ और भी मिल गई। ये लकड़ियाँ हमें मिल चुकी है, लकड़ियों का पूरा गोदाम मिल चुका है हमें, दिख रही है शायद आपको, और शायद सूखी भी होगी वो, तो वहाँ जाते हैं। पर जिनको देख सकते हो हाथ में कुल्हाड़ी और गले में रस्सी, फुल एडवेंचर भाई, फुल। सो लकड़ियाँ मिल चुकी है बहुत सारी हमें, ये रही, हाँ, और शायद सूखी भी होंगी ये, इनमें से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं
और निकलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके साइड का व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है रिवर का व्यू, आप देख सकते हो कितना शानदार। और ये बंदा तो पूरा एडवेंचर वाला बना हुआ है पूरा, जिसे कहते हैं। हाँ भाई प्रदीन, क्या सीन अब तेरा? बहुत ही शानदार सीन है मेरा। और ये लकड़ियाँ काटने के लिए ले रखी है खुलाड़ी, और साथ में लकड़ियाँ बांधने के लिए रस्सी। मैं से सोच रहा हूँ कि मैं पूरी लकड़ियाँ मैं ही लेके चला जाऊँ यहाँ से। अच्छा, ओ सॉरी यार, मैं भूल गया था, तो जिम जाता है। चलो तू ही चल लेके चलेगा अब। बट गाइज व्यूज आप देख सकते हो, शानदार नजारे ही नजारे। ये है ट्रेकिंग का मजा। निकाल 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 उसे, ओए एक जोड़ा दिन तू जा। वाह भाई दिनेश, किसके ले आओ भाई? ये बंदा ना, ये सेकंड गाइड इसीलिए बना है क्योंकि इसमें कुछ क्वालिटी है। चलो शाबाश, एक हो गया, ये सूखा है। चलो इधर निकालो वो जितेंद्र भाई, एक और पड़ा वहां पे। हाँ वो भी निकाल ला, वो वाला भी लो। इस बार तो इसने भी नाम कर दिया। वह कुल्हाड़ी उठाई, नीचे कुल्हाड़ी पड़ गई है। प्रदीन ले आओ ले आओ ले आओ, बस बस चलता जाओ चलता जाओ। ये मोहित ने 7-8-9 फुट की लकड़ी उठा ली है, और उधर देखो ग्रुप का जो मेन मेंबर है वो लकड़ियां तोड़ने में लगा हुआ है। इधर फरदीन, शाबाश बॉय, ओए ये उठा भाई। ये लकड़ी सूखी 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 है भाई, सूखी। हाँ उधर से ले आओ, पूरी रात 3 लकड़ा पूरी रात को निकले। ये आने दे, ये दे इसको रौनक को, इससे वीडियो चल। भाई ये एडवेंचर हो रहा है पूरा, लकड़ियां ही लकड़ियां। अभी मेरे को भी कुछ ना कुछ तो उठाना पड़ेगा ना। अभी मैं उठाऊंगा वो सूखे वाली भाई, मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत बहुत भयंकर लकड़ी देख। वाह ये है असली असली मजा। आजा आजा आजा, बस बस बहुत है भाई। चलो कुल्हाड़ी कटा है, चलते चलो। मैं देख के आता हूँ कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी यही रह गई शायद, कुल्हाड़ी यही गई, छोड़ गए। ये पड़ी देखो, ये रही अपनी कुल्हाड़ी। सो लकड़ियाँ शायद हो गई मेरे को लगता है कंप्लीट, फिर भी जितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करेंगे क्योंकि रात का यही सहारा है। सो एक लकड़ी मैंने ये भी उठा ली है यार, पता ही नहीं लगा। मैंने सोचा था लकड़ियाँ पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट जैसे ही यहाँ आए तो देखा कि लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ, और इनमें से कुछ सूखी भी है गिल्ली भी है, पर सूखी के साथ में गिल्ली भी चल जाएगी। भाई इतनी दूर में सांस फूल गया। ये देखो लकड़ियां रस्सियों से बांधी जा रही है, और रस्सियों से बांध के फिर कैंप तक लेके जाएंगे। कैंप हमारा इस साइड में, जिस साइड में फरदीन जा रहा है, कैंप साइड में जा रहे हैं अभी। भाई पूरी चढ़ाई है, माउंट पे जा रहे हैं हम, माउंट पे। ये देखिए वो रहे अपना कैंप, वो रहे अपने कैंप जहाँ तक हमें लकड़ियाँ लेके जानी है। लकड़ियाँ बहुत होगी रात के लिए या नहीं?
और साथ में ये देखो अंदर खाने की तैयारी हो रही है पूरे तरीके से। और दोस्तों मैं मतलब यहाँ पे इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए ललक। कौन सी ललक? ललक जीने की चाह है। ओ मतलब ललक मतलब जीने की चाह है मुझ में। मतलब वो बात है तेरी जिंदगी तुझे पहाड़ों की ओर बुला रही है। मैं जीना चाहता हूँ वो भी पहाड़ों में आके इन बर्फीली वादियों के बीच में। तो भाई सीन बहुत तगड़ा होता जा रहा है। अभी खाने की तैयारी हो रही है, लकड़ियाँ हम ले आए हैं और इसके बाद खाने की तैयारी, लेकिन सोच रहे हैं कि थोड़ा अगर टाइम बचता है तो उस तरफ जाके आएंगे। अभी ऐसा है कि ये लोग पानी लेने के लिए जा रहे हैं। वो टोपियों भी ले जा, टोपियों भी ले जाओ। सो खाने का सामान तो रेडी है, बस बनाना ही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नॉलेज बता देता हूँ कि अगर खाना बना रहे हो तो बाहर कोई भी चीज़ ना डाले, क्योंकि बनाए टेंट बाहर आप डालोगे तो हो सकता है कि जानवर उससे अट्रैक्ट हो जाए और टेंट के पास भी आ सकते हैं। इसलिए जो भी जितना भी सामान आप बनाते हो, कच्चा पक्का जो भी हो, वो टेंट के आसपास ना छोड़े, उसको कैरी करके अपने साथ एक लिफाफे में डाल लें और उसके बाद दूर कहीं और डाल के आए या साथ लेके जाए, क्योंकि यहाँ डालोगे तो रात को जानवर जो है वो उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं और आपके आसपास आ सकते हैं, तो आपके लिए खतरा भी हो सकता है। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें। सो उस साइड में है पानी का झरना और हमारे लोग गए हैं इस साइड में, अपोजिट साइड गए हैं, वो अभी तक आए नहीं, तकरीबन उनको आधा घंटा हो गया। ये 5 मिनट में पानी भर के ले आया है। यहाँ पास ही में है झरना और वो उस साइड में गए हैं, उनको गए आधा एक घंटा हो गया, अभी तक आए नहीं है। हम यहाँ पे बैठे बैठे नदी का वेट कर रहे हैं। मीठा पानी झरने का पानी है। जो मैं आपको बता रहा था मल के लिए, ये तो अपने गायों का, ये भालू का जो इधर आप देख सकते हो, इससे हमें पहचान हुई कि इस एरिया में भालू आते रहते हैं। तो इस चीज़ का स्पेशल हम ध्यान रखेंगे, सेफ्टी के साथ यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। हमने यहाँ पे 2 कैंप लगा रखे हैं, ये देख सकते हो आप। तो इससे अच्छा तो आप डेकैथलॉन जाते तो आई थिंक 6,500 में आपको सब कुछ मिल जाता है। नहीं वो हमें पता नहीं था, इस वजह से हम वहाँ से बाय किए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने कैंपिंग करनी थी तो फर्स्ट टाइम हम वहीं से। कुछ भाई आए थे, यूट्यूबर थे, जो हमारा एक्सपीरियंस ले रहे थे, जिनको हमने सारा बताया कि हम टेंट कहाँ से खरीदे, कैसे, आपने वीडियो में सारा कुछ देख लिया है। सो अभी तैयारी करते हैं हम खाने की, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है। बाद में अगर अंधेरा हो गया तो खाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सूरज आप देख सकते हो धीरे धीरे डाउन जा रहा है, तो बहुत जल्दी हम नीचे जाने वाला है। तो इसके साथ ही सबसे पहले एक काम करते हैं, खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए अपना खाने वाला काम भी जारी है, चालू है। ये देख सकते हो कि अंडे बॉयल हो रहे हैं, अंडे का बॉयल करना चालू कर दिया है। और इसके बाद क्या करना है, उनकी सब्जी बनानी है और राइस बॉयल करने हैं। तो हम यहाँ पे खाना बनाएंगे। कुछ लोग हैं जो वहाँ आगे ट्रेक करना चाहते हैं, सो वो आगे जा रहे हैं और हम यहाँ खाना बनाएंगे। भाई जो यहाँ खाना बन रहा ना, कहाँ पे आपको पता है, ट्रेकिंग वाली जगह ये खाना बन रहा है। लेकिन आइटम्स आप देख सकते हो, जीरा राइस, ये सबसे पहले तो ये देखो, पूरी पूरी घर में जैसे बनाते हैं ना उसी तरीके से ये खाना बन रहा है, ना कि हम मैगी बना के खा रहे हैं। ये एग कड़ी और उसके बाद जीरा राइस बनेगा, क्योंकि सामान की हमें हमारे पास कोई कमी नहीं है, वेज पुलाव सब कुछ हम लेके आए हैं, वेज पुलाव भी बनेगा और सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो भी आपको दिखाएंगे, अल्टीमेट होगा। सो अभी देखो ये प्याज, ये टमाटर की कटिंग चल रही है जितेंद्र के द्वारा, और वो लोग उधर फोटो शूट में लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है सूरज डूब चुका है, तो हमें खाना जल्दी से जल्दी बनाना है, क्योंकि खाना बन गया, खाना खा लेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, फ्री है, इंजॉय करेंगे। सो खाना जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है, इसके बाद जीरा राइस बनेगा और एग कड़ी, जीरा राइस आज का हमारा डिनर होगा।
बिन ऑफ करा दे यार, वो काइड होंगे खोती क्या हो गया यार, सर का फटा ये हेलीकॉप्टर नीचे पटक, ये हेलीकॉप्टर नीचे पटक मत तो खाओ यार, वाह ये क्या बोल रहा है बता आपको भाई, मजे ले गया इसने बोल रहा है एक हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से बार 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 घूम रहा है, तो ये बोल रहा है कि इसको बंद करवा दे, नहीं मैं जा रहा हूँ घर पे, और वो चला भी गया। अब भाई हेलीकॉप्टर तेरे कहाँ अट गया गजब सीन हो गया भाई, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये कह रहा है या तो मेरे को इसमें बैठा दो या फिर इसको भगा दो यहाँ से सो भाई ये हम इंजॉय कर रहे हैं, फुल चिल है बंदा, ये उस साइड में चला गया फोटो शूट करेगा वो भी। सबसे पहले हम लकड़ियाँ सेट करते हैं और उसके बाद आग जलाते हैं, क्योंकि ये पूरी रात चलेगी, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमने लकड़ियों का सेटअप तो कर लिया है, अभी सिर्फ जलाना मेरे को दे, तू ये बना, फोन पकड़। जो आग जलानी थी वो बिल्कुल रेडी है, आग बनी जल चुकी है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ का जो सीन है वो वहाँ से जैसे ही सूरज डूबा वैसे ही ठंड अचानक बढ़ चुकी है, और ठंड भी इतनी ज़्यादा कि हम लोगों को कपड़े पहना दिए। देखो इधर देखो, अभी बिल्कुल भी नहीं, जब तक धूप थी तब तक हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, सूरज डूबते ही अचानक ठंड जो है वो डबल हो गई है, और ठंड इतनी ज़्यादा कि अब आग के पास बैठने पे मजबूर हो गए, जलाने पे मजबूर हो गए, सो हमने टाइम रहते हुए ही आग जला ली है। इधर सारे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे पूरी रात हमने बितानी है, और उधर हमारा खाना बन रहा है, हटना थोड़ा, वो दो लोग जो है वो खाना बना रहे हैं, और इधर हम बोनफायर करेंगे, ये देखो। सो उस साइड अपने टेंट लगे हुए हैं, सारा सेटअप हमने यहीं पे लगाया हुआ है, बहुत ही बहुत शानदार सेटअप है, और जगह हमें जो मिली है ना ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो ये शानदार पहाड़ी का व्यू, इस साइड स्नो, इस पूरी पहाड़ी पे स्नो ही स्नो है और ऊपर तक है, और ये लैंड आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा फ्लैट है जहाँ पे हमने टेंट लगाया हुआ है, हम पूरा कैंपिंग कर रहे हैं, शानदार। आरो भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से, हाथ में थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूँ नाराज, बस अब हो ना तू जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी अपना बता जिंदगी। सो गाइस फाइनली खाना जो है वो बन के लगभग तैयार हो चुका है, राइस हमारे बिल्कुल बन चुके हैं, एग हमने बॉईल कर लिए थे, सो अब एक करी जो है वो बनने को जा रही है, बस इसके बाद हम भोजन करेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपरली हमारा जो सीन है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा सारा कुछ जा रहा है अभी तक, और उधर कुछ लोग हैं जो पानी लेने गए हुए हैं झरने से, और इस साइड में तो कुछ अलग ही इंजॉय चल रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ, आइए बोन फायर के साथ साथ आप देख। पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं, ओ पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं, कुछ मत पूछो प्यार में कितने पहरे होते हैं, इश्क में जाने क्या हो जाता है ये रब ही जाने, तोड़ के सारी दीवारे मिल जाते हैं दीवाने ओ घर या। वाह 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 क्या मजा आ रहा है, ऐसी लाइफ हर कोई जीना चाहता है, वहाँ टेंट, यहाँ खाना और यहाँ सब कुछ। सो गाइज आइए और आप भी इंजॉय कीजिए, जिस किसी को भी आना हो मुझे कमेंट कीजिए,
मुझे डीएम कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा कि कैसे आप ये प्लान कर सकते हो। तो अर्ज किया है, इरशाद है, पेश कीजिए कि जज्बातों से रिश्तों की डोर जोड़ी है, जज्बातों से रिश्तों की डोर जोड़ी है, तुझे चाहने की हदें पीछे छोड़ी है। वाह वाह वाह, ये आज़ादी तुझे तेरे ढंग से जीने की, जो बांध लिया तुझको तो प्यार छोड़ी है। एक काम और कर रहे हैं हम, क्योंकि अब रात होने वाली है, रात होने से पहले हम तीन जगह आग जलाएंगे, एक जगह यहाँ पे जलाई हुई है, दूसरी जगह यहाँ पे और तीसरी जगह वहाँ पे, क्योंकि रात को यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं होगा। सो अगर कोई भी जानवर, भालू वगैरह, क्योंकि यहाँ पे भालू का ज़्यादा खतरा होता है, सो आते भी हैं तो आग को देख के वो हमारे पास नहीं आएंगे। सो इससे अच्छा है कि हम तीन जगह की बजाय, एक जगह की बजाय तीन जगह आग लगा लें। तो एक तो वहाँ पे जलानी है, एक यहाँ पे, और एक ऑलरेडी लगाई हुई है। सो वहाँ पे हमने गोबर इकट्ठा किया है, यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ और गोबर, और वहाँ पे हमारे पास फुल लकड़ियाँ हैं, और ये इधर अपना खाना बन के तैयार हो चुका है। सो अभी तीन जगह हम पहले आग जलाते हैं। इस तरफ ही आग जला ली है ताकि धुआं इस तरफ जाएगा तो किसी भी जानवर का जो खतरा है वो बिल्कुल कंप्लीट ही खत्म हो जाएगा। एक इस तरफ लगा दी है तो उस तरफ जल रही है, तो कंप्लीटली अब हम रात के लिए पूरी तरीके से सेफ है, हमें कोई खतरा नहीं है। So guys, खाना आप देख सकते हो बिल्कुल लग चुका है, और फरदीन भाई जो है वो खाना डाल रहे हैं और हम लोग खाना खा रहे हैं विद बोन भाई के साथ। और वहाँ कौन गया है, कहाँ पे? जितेंद्र नमक लेने गया है। सो अभी हम सब लोग खाना खा के फिर बोन फायर का मज़ा लेंगे, और इधर हमारे एक्स्ट्रा चावल ये देख सकते हो आप, आपको शायद ये लाइट पहाड़ों पे गिरती हुई दिखाई दे रही होगी।